दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार चौधरी आज आपके सम्मुख होम्योपैथिक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन जिसका नाम बेलाडोना है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये मेडिसिन का जो सब्जेक्ट होता है बेलाडोना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। इसके चेहरे पर ग्लो होता है और ग्लो होने का कारण ये है कि इसमें खून का प्रवाह सिर की ओर होता है और वो प्रवाह बहुत तेज़ी के साथ होता है, इसलिए उसका चेहरा ग्लो करता है। दूसरा व्यक्ति उसे देखकर कह सकता है, रूप जब ऐसा मिला तो ऐसी नटखट अदा कैसे ना हो। दूसरे इसके बारे में चंद लाइनों में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अर्जेंटीना को गर्व है कि उसके पास खिलाड़ी है मैराडोना, वैसे ही होम्योपैथिक को गर्व है कि उसके पास मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना जो है वो कंजेशन के लिए, हाइपरीमिया के लिए, हेडेक के लिए, हेडेक भी ऐसा जैसे बर्निंग टाइप ऑफ हेडेक, जैसे कुछ अंदर जल रहा हो। फ्यूरियस मेनिया जो होता है यह है ऐसा होता है कि जब ये व्यक्ति ठीक होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से हंसता बोलता है, लेकिन जैसे ही इसमें बीमारी का आगमन होता है वैसे ही ये बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है। इतना ज़्यादा ये हिंसक हो जाता है कि ये कपड़ों को फाड़ने लगता है, चद्दर को नोचने लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो जाती है, इसमें कन्वल्शन सा होते हैं बहुत ज़्यादा। और इसको इंसोमेनिया के लिए, इसको मेनिनजाइटिस के लिए हम देते हैं। और यदि ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की कंडीशन हो तब भी इसको दिया जाता है। हाइपरटेंशन में भी बेलाडोना को याद किया जाता है। इसमें जो होता है थ्रोबिंग कैरोटिड्स होती हैं और इसकी आंखें खून के प्रवाह की वजह से बहुत लाल हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी आंखों में बहुत प्रेशर होता है। इसमें कंजंक्टिवाइटिस की कंडीशन पैदा हो जाती है और इसमें जितने भी प्रकार के पेन होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, कटिंग होते हैं, कटिंग टाइप के काटने वाले। और इसमें एपिलेप्सी जब होती है उसके साथ साथ इसमें नौजिया और वोमिटिंग की कंडीशन भी पैदा हो जाती है। इसको गोइटर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोफोबिया में भी हम इसको देते हैं, यानी कि पानी से डर का होना, उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें जो सूरज की गर्मी से भी इसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं और यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्वेरलसम होता है और आसानी से उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ साथ यह रोना भी प्रारंभ कर देता है। इसको ऐसा लगता है कि इसका मस्तिष्क पानी में तैर रहा है। इसको बहुत पानी की प्यास होती है। इसकी जो प्यूपिल्स होती हैं वो डायलेटेड होती हैं और
ये मेडिसिन जो है सन स्ट्रोक के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। खासकर जैसे मैंने आपको बताया, इसका उपयोग कंजेशन यानी कि हाइपरेमिया, जहाँ पर ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इसको ब्लड प्रेशर के लिए भी हम दे सकते हैं। इंसोमिनिया के लिए भी इसको दिया जा सकता है। बर्निंग हेडेक, पायरेक्सिया, मेनिनजाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया और हाइड्रोफोबिया के लिए भी हम बेल्लाडोना को याद करते हैं। नर्व्स की जो भी दिक्कत होती है, उसमें किसी भी प्रकार की वीकनेस होती है अगर, तो उसके दुष्प्रभाव को भी बेल्लाडोना ख़त्म करने में सक्षम है। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त वर्णन बेल्लाडोना का दिया। जहाँ पर व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, अपना आपा खो देता है, वहाँ पर बेल्लाडोना को याद किया जाता है। यदि इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।